सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अंगद पर लगने वाला है गेरी की मौत का इल्जाम, लाएगी साइबा तगड़ा सबूत। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अंगद को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी गेरी की मौत के इल्जाम में, और वहां पर इल्जाम कोई और नहीं जसलीन खुद ही लगाते नजर आएगी सही। और देखने को मिलता है कि अंगद को अब यहाँ पर बुरी तरह से फंसा दिया गया है। अंगद को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, जहां पर अब दूसरी तरफ साहिबा इस बात को मानने से इनकार कर देगी कि वो लाश गेरी की ही थी। हो सकता है वो गेरी नहीं हो, इसे अंगद को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई हो, और ऐसा ही कुछ वीर को भी लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब साहिबा यहाँ पर देखने को मिलता है कि कियारा और वीर की मदद से उस इंसान तक यानी गेरी तक पहुंचेगी और लाएगी तगड़ा सबूत। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस लाश के पास में गेरी का सामान मिलता है, उसके वॉलेट और उसकी वॉच, ये सब कुछ मिलता है, जिससे यहाँ पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि गेरी की मौत हो चुकी है, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसे ये कहना भी जरूरी नहीं है कि वो गेरी ही हो। देखने को मिलता है सामान को देखकर ही पुलिस वाले ये कहते हैं कि वो आपके खानदान से ही कोई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इसका इल्जाम जसलीन गेरी की मौत का इल्जाम अंगद पर लगा देती है, और मामला कोर्ट पर पहुंचता है, जहाँ पर अब साहिबा तगड़ा सबूत पेश करते नजर आएगी अंगद के लिए। साहिबा यहाँ पर एक सबूत लेकर आएगी और यहाँ पर बताएगी कि वो डेड बॉडी के पास सिर्फ सामान मिला था, वो डेड बॉडी गेरी की है ये तो अभी साबित ही नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर साहिबा ये साबित कर देगी कि वो लाश गेरी की नहीं है, हो सकता है गेरी जिंदा ही है। देखने को मिलने वाला है कि गेरी के जिंदा होने का सबूत ही साहिबा यहाँ पर देगी, उस डेड बॉडी की रिपोर्ट ले जाकर यहाँ पर दिखा देती है कोर्ट में, और यहाँ पर सबके सामने खुलासा कर देती है कि अंगद पर यह इल्जाम ही झूठा है, जब गेरी जिंदा है तो अंगद पर यह इल्जाम पूरी तरह से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, और साहिबा का यही सबूत अंगद को बचाते नजर आने वाला है।